नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संवेग पर चर्चा होगी, जिसे अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। संवेग के सूत्र को बताया जाएगा, संवेग के मात्रक को बताया जाएगा, संवेग सदिश है कि अदिश है, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखिए संवेग की परिभाषा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात परिभाषा के अनुसार संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो संवेग P, यानी संवेग की जगह हम P लिख सकते हैं। P बराबर हो जाएगा द्रव्यमान की जगह m और वेग की जगह हम लिख सकते हैं v, तो गुणे v। अर्थात या P बराबर हो जाएगा m v। तो ये हुआ संवेग का सूत्र। अब संवेग का मात्रक, P का मात्रक अर्थात संवेग का मात्रक बराबर हो जाएगा कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता, हम उसको किग्रा लिखते हैं, किग्रा। और वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हुआ किग्रा मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर पर सेकेंड। संवेग एक सदिश राशि, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, यानी संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।